हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट इन लाइफ ब्लॉग। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि इंजन पर लिखे तीन अल्फाबेट्स नंबर का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो पहला लेटर होता है W, W का मतलब होता है कि वो जो ट्रेन है वो किस ब्रॉड गेज की ट्रेन है। ब्रॉड गेज का मतलब होता है पटरी, जिसको कि हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रेल। तो दो रेल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेज, ठीक है। और इन दोनों दो पटरियों के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो होता है लगभग 1676 mm का। तो पहला जो लेटर है इसका मतलब हम लोग समझिए कि डेट मीन्स कि जो भी किसी भी इंजन पे अगर W से लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो ब्रॉड गेज की क्या है, ट्रेन है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसका मतलब होता है A का, ठीक है। A का मतलब होता है अल्टरनेटिव करेंट, अल्टरनेटिव करेंट कहें या फिर AC इलेक्ट्रिक पावर। AC इलेक्ट्रिक पावर का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब कि वो जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है। अगर बीच में लेटर अगर D हो तो इसका मतलब कि वो डीजल पावर से चलती होंगी, ठीक है। तीसरा लेटर का मतलब होता है कि वो पैसेंजर ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, मिक्स ट्रेन है या फिर संटिंग ट्रेन है। इसका मतलब जब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं कि सपोज कीजिए कि किसी ट्रेन पे लिखा हुआ है, अमूमन हम लोग देखते भी हैं WAP 7। WAP 7 का मतलब ये हुआ W ब्रॉडगेज। इसका मतलब कि इनकी जो रेल पटरी का जो डिफरेंसेस होता होगा वो 1676 mm का होता होगा। दूसरी, ये जो इंजन है वो AC इलेक्ट्रिक पावर से चलती होंगी। इसका मतलब ये कि इनका जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। तीसरा लेटर अगर WAP 7 है तो लास्ट लेटर P है। इसका मतलब ये जो इंजन है ये पैसेंजर ट्रेन को क्या करती हैं, खींचती हैं, ठीक है। वही अगर ये किसी मालगाड़ी को खींचती तो उनमें ये क्या लिखा होता, G। लास्ट G का मतलब हो गया गुड्स। अगर ये सेंटिंग के लिए यूज होती इंजन तो इसमें लिखा होता WAS, और गुड्स और पैसेंजर दोनों के लिए अगर ये यूज होती तो उसमें मिक्स लिखा होता, मतलब पैसेंजर और गुड्स तीनों का, मतलब कि WAM। आइए इसके बारे में और विस्तृत होकर हम लोग समझते हैं कि जो लोकोमोटिव होती हैं वो दो तरीके से यूज होती हैं। मतलब लोकोमोटिव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और एक डीजल लोकोमोटिव। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पावर के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे कहने का मतलब कि वो जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक से चलती हैं या फिर डीजल से चलती हैं। सेकेंड चीज है कि इनका यूजेस क्या है, कि वो किस प्रकार से यूज, जो इंजन है वो किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इंजन को सेंटिंग के लिए यूज भी करते हैं, पैसेंजर्स के लिए भी यूज करते हैं, गुड्स के लिए भी यूज करते हैं, और मिक्स मतलब गुड्स ट्रेन में भी यूज करते हैं और पैसेंजर के लिए भी। आइए कुछ इसको एक पिक्चर्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे पहला पिक्चर जिस पे लिखा हुआ है WAS, ठीक है। WAS का मतलब हो गया कि W मतलब ब्रॉडगेज ट्रेन, A AC इलेक्ट्रिक, और S मतलब सेंडिंग के लिए। ये जो पिक्चर वन में दिखाया जा रहा है, पिक्चर टू इसमें क्या है, WAP 7। W का मतलब ब्रॉडगेज, A का मतलब AC इलेक्ट्रिक, P का मतलब पैसेंजर ट्रेन के लिए। इसमें और एक चीज आप देख रहे होंगे 7, ये जो नंबर होता है ना ये इसके हॉर्स पावर को डिनोट करता है कि कितने हॉर्स पावर का है। तो WAP 7 का मतलब ये हुआ कि 7 का मतलब कि ये 7000 हॉर्स पावर की ये इंजन है और ये पैसेंजर्स ट्रेन को क्या करेंगे, खींचेंगे। तीसरे पिक्चर्स में क्या है, WAG, W फॉर ब्रॉडगेज, A फॉर AC इलेक्ट्रिक, G फॉर गुड्स, मतलब ये मालगाड़ी को खींचती हैं। और उसके बाद एक नंबर में लिखा हुआ है 12B, इसका मतलब कि 12000 हॉर्स पावर की ये इंजन है। चौथे पिक्चर्स में क्या है, WAM 4, मतलब W से ब्रॉडगेज, A से इलेक्ट्रिक, AC इलेक्ट्रिक, और M से मतलब ये मिक्स्ड है, मतलब पैसेंजर्स को भी खींचती हैं और जरूरत पड़ने पर मालगाड़ी को, मालगाड़ी में भी यूज किया जाता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
इसके आगे और बढ़ते हैं, इसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम बता दे रहे हैं। WAS ब्रॉडगेज AC इलेक्ट्रिक फॉर संटिंग, WAP ब्रॉडगेज AC इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स के लिए, WAG ब्रॉडगेज जो ट्रेन होंगी वो AC इलेक्ट्रिक गुड्स के लिए, और WAM ब्रॉडगेज AC इलेक्ट्रिक दोनों, मतलब मिक्स। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब डीजल के बारे में समझते हैं कि डीजल इंजन हो तो उसमें क्या क्या, सेम प्रोसेस डीजल वाले में भी है। पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, पहला जो पिक्चर में है WDM, WDM का मतलब W से ये भी ब्रॉडगेज ट्रेन है, D का मतलब कि ये डीजल से चलती हैं, AC इलेक्ट्रिक से नहीं, तो ये डीजल पावर इंजन है, और M का मतलब कि ये मिक्स है, मतलब पैसेंजर्स को भी खींचेंगी और गुड्स ट्रेन को भी खींचती हैं। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे WDG4, WDG4 का मतलब ब्रॉडगेज ट्रेन डीजल पावर, और जी का मतलब कि ये गुड्स ट्रेन को खींचती हैं, और फोर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि 4000 हॉर्स पावर की ये ट्रेन है। पिक्चर नंबर थ्री में क्या है कि WDP4, W से ब्रॉडगेज, D से डीजल पावर, P से पैसेंजर्स ट्रेन को ये पहले खींचती थी, अभी भी जहाँ जहाँ भी अगर डीजल लोकोमोटिव अगर किसी पैसेंजर्स ट्रेन को खींचेंगी तो वो WDP ही होंगी, और फोर का मतलब 4000 हॉर्स पावर। WGS मतलब कि ये जो ट्रेन है W4 ब्रॉडगेज, D4 डीजल पावर, और S4 सेंटिंग, मतलब ये जो सेंटिंग पर्पस के लिए इस इंजन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इसको भी एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। WDM मतलब एक पिक्चर्स के थ्रू कि WDM का मतलब कि ब्रॉड गैस है, डीजल पावर से चलती है, मिक्स है। WDG का मतलब कि ब्रॉड गैस है और डीजल पावर ये गुड्स ट्रेन के लिए यूज किया जाता है। WDP अगर कोई डीजल इंजन यूज होता है तो वो W का मतलब ब्रॉड गैस, D का मतलब डीजल पावर है, और P से ये पैसेंजर्स ट्रेन को खींचती हैं। WDS का मतलब कि ब्रॉड गैस है और ये डीजल पावर सेंटिंग के लिए यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो किसी भी इंजन पे लिखे हुए वर्ड्स का जो मतलब होता है आप लोग के माइंड में क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं मेरे, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो है इंजन से ही रिलेटेड है। तो आप मुझे बताएं कि स्क्रीन पे जो इंजन है उसका नेम ऑफ गैस क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका हॉर्स पावर क्या है, और इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।